गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन ए लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर एंड वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. टुडे वी टेकिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आप ध्यान से समझना सारे. ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्कूल वेलकम. जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछे जाते हैं और आप वो क्वेश्चन अच्छी तरह से करें क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन फायर होते हैं. ज़्यादा डिफिकल्ट वो टफ बेसिस पे नहीं आते हैं. तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसमें सबसे पहला इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ए प्लेट इज 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर. आपको क्या दे रखा है? आपको पैरेलल प्लेट का एरिया गिवन है और उन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है. ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड करना है. नाउ देखो हमारे पास में टू प्लेट है, दैट इज फर्स्ट प्लेट इज ए एंड सेकंड प्लेट इज बी. राइट, पूरा मैकेनिज्म आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था. लेकिन इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बिहाव पर ए एरिया जो आपको गिवन है वो कितना है? 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. राइट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर. नाउ कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. एंड ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने समझा भी था उसको. राइट, तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. नाउ ए इज इक्वल टू दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. नाउ वी नो द एप्सिलॉन नॉट 8.85×10⁻12 एंड डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? मीटर स्क्वायर में, बिकॉज डिस्टेंस जो है मीटर है यहाँ पर. और एम के सिस्टम में हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसकी वो सारी यूनिट चलती है, वो किस में चलती है? एम के एस में चलती है. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो डी इज इक्वल टू 2×10⁻²  मीटर. तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस अबव इक्वेशन, नाउ सी इज इक्वल टू 4×10⁻⁴ इंटू 8.85×10⁻½ अपॉन 2×10⁻², दैट इज सी इज इक्वल टू 177.08×10⁻⁶ प्लस 12. नाउ सी इज इक्वल टू 17.70×10⁻¹⁴. कैपेसिटी हमने फाइंड कर ली है इसकी 17.70×10⁻¹⁴. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू द स्फेरिकल कंडक्टर. देखो हमने इससे पहले वाली क्लास में स्फेरिकल कंडक्टर का भी कैपेसिटी फाइंड करी थी और पैरेलल प्लेट की भी कंडीशन फाइंड करी थी. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज स्पेसिफिक कंडीशन क्या दे रखी है कि आपको एरिया फाइंड करना है एंड कैपेसिटी इक्वल टू द स्फेरिकल कंडक्टर. मतलब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी है वो इक्वल होगी स्फेरिकल कंडक्टर के बराबर होगी. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एंड डायमीटर ऑफ ए 50 सेंटीमीटर. स्फेरिकल का जो दे रखा है डायमीटर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर. इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 5 सेंटीमीटर. डिस्टेंस आपको दोनों प्लेट की पैरेलल प्लेट की कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर. स्फेरिकल कंडक्टर का डायमीटर आपको गिवन है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है. नाउ वी फाइंड द एरिया, एरिया क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पर.
और r की वैल्यू r इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर स्क्वायर के अंदर मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 25 इंटू 10^5 - 2 मीटर, राइट। नाउ वो बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब हो गया एस सी, मतलब कैपेसिटी जो इक्वल होगी वो किसके होगी, सी पी पी इज इक्वल टू एस सी। नाउ डायामीटर इज इक्वल डी इज इक्वल टू 5 × 10^-2 मीटर, ठीक है। अब तो कैपेसिटी हम जानते हैं पैरेलल प्लेट की क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एंड कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर बी डिटर्मिनेशन 4 πε₀r। नाउ वी कैंसिल द एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, फाइनली वैल्यू ए इज इक्वल टू डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 4 πd r, राइट। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द 4 πd r, नाउ ए इज इक्वल टू 4 π की वैल्यू 3.14 इंटू डी दैट इज 5 × 10^-2 एंड r इज 25 × 10^-2, राइट। नाउ a इज इक्वल टू 1570 × 10^-4 मीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया आया है वो 1570 × 10^-4 मीटर स्क्वायर आया है, राइट। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट फायर किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चे इनको आप, अब इस क्वेश्चन में आपको या तो वो ए पूछ सकता है, सिंपल है, यहाँ पर सी दे रखा है, या ए पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, या सी पूछ सकता है, इन तीनों में से राउंड करके कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ें इनको, क्योंकि ये पार्ट जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस का, ध्यान से पढ़ें आप इनको।